अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मिक्स वेज पकौड़ा लेकर आई हूँ, जो बहुत ही झटपट और इजीली आप बनाकर अपनी अफ्तारी में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, देखते ही देखते आज 15वां रोज़ा आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद किया होगा। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ा आपके लिए तैयार करते हुए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने एक बाउल में पत्ता गोभी को स्लाइस करके ले लिया है। ये आपके चॉइस के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब साथ में ही शेडेड एकदम करके हमने गाजर ले ली है। तो ये मैंने एक बड़ा बाउल कैबेज लिया था और एक छोटा बाउल मैंने ये कैरेट ले लिए हैं। साथ में ही स्लाइस करके मैंने एक मीडियम साइज़ की जो शिमला मिर्ची होती है वो ले ली है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसे भी मैंने लंबा लंबा स्लाइस किया है और इसे खूब अच्छी तरीके से मसल कर हम प्याज के जो छल्ले होते हैं वो अलग कर लेंगे। और फिर अब इसमें हम हरी मिर्ची और ज़ीरे का पेस्ट डाल देंगे। तो इसको मैंने ड्राई ही पेस्ट किया था, पानी नहीं डाला था। और साथ में ही थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे हम, और इसमें नमक हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। तो अजवाइन की वजह से जो है ना, हमारे पकौड़े की वजह से हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है और हज़म होने में बहुत आसानी होती है। और एक चुटकी भर के मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन इतना ही डालना है जितनों में हमारे पकौड़े अच्छी तरीके से लिपट जाए। बहुत ज़्यादा बेसन डालने की वजह से पकौड़े में मज़ा नहीं आता है, सिर्फ आटा आटा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग जब भी पकौड़े बनाएं तो मेरी इस टिप को ज़रूर ध्यान रखें कि बेसन का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, ताकि पकौड़ों के अंदर जो चीज़ें हम डालते हैं उसका जायका हमें ज़्यादा मिल सके। इसे हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं और छोटे छोटे पकौड़े हम इसे तोड़ तोड़ के इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पकोड़े और बहुत ही खाने में। बच्चे जो हमारे सब्जियां नहीं खाते हैं, हम परेशान हैं कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो बच्चे इस तरीके से सब्जियां खा लेंगे। और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। हम रेगुलरली प्याज के आलू के भजिए बनाते हैं तो कुछ चेंजेस हो जाएगा। मिक्स वेज डालने की वजह से हमारे बच्चों में मिक्स सब्जियां खाने की आदत बढ़ जाएगी और थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आपके बच्चे शौक से खाएंगे। तो आपके बच्चों की सेहत के लिए और आपके घर में आपके खानों में तारीफ़ें आने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके से आप कुरकुरे करारे भजिए बना के अपने घर वालों को खिलाइए, उनकी दाद वसूल कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।